गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट्स में देखेंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी जो है, हमने इसके पहले जो है स्टोमेटा कवर किया हुआ था, स्टोमेटा की लिस्ट पढ़ी थी विथ ट्रिक्स, वहाँ पे हमने बताया हुआ था कौन कौन सी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आज हम लिपिड की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे जो है लिपिड का ओवरव्यू जो है कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम जब भी डिटेल्ड स्टडी की बात करेंगे उसमें हम यहाँ पे सब चीज़ें जो है सब ड्रग्स हैं कंपोनेंट्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या होता है लिपिड की क्लासिफिकेशन में, लिपिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो लिपिड्स होते हैं वो केमिकली जो डिफाइन किया गया है, लिपिड को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है, वो एक सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों? लिपिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स हैं एंड फैटी एसिड्स के सब्सटेंस होते हैं। ऑब्वियसली बात है, फैटी एसिड से जैसे कि ऑयल वगैरह समझ लो, तो ऑयल क्या वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं, ऑयल क्या होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बट ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म जो होते हैं उनमें जो है ये सॉल्युबल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लिविंग सेल्स का, जैसे कि हमारी जो प्लांट सेल्स हो गई, एनिमल सेल्स हो गई, उनमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं लिपिड। यहाँ पे जो है ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के साथ मिलकर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। ये कैलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स क्यों होते हैं लिपिड्स? क्या होते हैं लिपिड्स? लिपिड्स क्या होते हैं? कैलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है लिपिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है वहाँ पे भी लिपिड जो है आपको कवर कराया जाएगा। तो दोनों ही कैटेगरी से जो है लिपिड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिपिड यही है कि और जो है इसका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फैटी एसिड्स का, डेरिवेटिव्स का, जो इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, इनसॉल्युबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये नेचुरली सब्सटेंस होते हैं, इनमें नेचुरल चीज़ें इंक्लूड रहती हैं जैसे कि ऑयल, वैक्स, फैट्स और भी बहुत से स्टेरॉल्स वगैरह होगा, ये सारी ही चीजें इसमें जो है एक्टिव रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा जो रहते हैं इनमें बहुत से अलग अलग टाइप के कंपाउंड में हमने जो है लिपिड को डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि तीन कैटेगरी यहाँ पे बताई गई हैं कि एक होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड, और जो होता है एक होता है जो हमारा होता है ड्राइव लिपिड। यहाँ पे अलग अलग जो है लिपिड के कैटेगरीज हैं, और जो लिपिड के फंक्शन इस अकॉर्डिंग जो लिपिड के फंक्शन है वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि लिपिड का जो रोल रहता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक रोल रहता है बायोलॉजिकल फंक्शंस जिनको बोल सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में भी काम आते हैं, जो इनकी एक मेम्ब्रेन लिपिड लेयर को फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड लेयर की जो मेम्ब्रेन रहती है उसका फॉर्मेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं टेम्परेचर का बॉडी लिपिड, क्योंकि लिपिड क्या होते हैं बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम करते हैं। यहाँ पे केमिकल मैसेंजर का भी काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। इनका जो है एनर्जी प्रोवाइडेशन का भी वर्क रहता है, पोस्टाग्लैंडिंग फॉर्मेशन करना, पोस्टाग्लैंडिंग जो है उसका फॉर्मेशन करना बॉडी के अंदर लिपिड का काम रहता है। एंड जो इसके अलावा अदर वर्क है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि लिपिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, इनसॉल्युबल रहता है और एक सब्सटेंस में लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह, यहाँ पे जो रहता है एल्कोहल, इनमें ये सॉल्युबल रहता है। अब यहाँ पे हमने लिपिड की क्लासिफिकेशन देखनी है। लिपिड की जो क्लासिफिकेशन है वो तीन टाइप से लिपिड को डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव, तीन अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो सिंपल लिपिड होता है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। सिंपल लिपिड में यहाँ पे जो है ऑयल, वैक्स एंड फैट आते हैं, ऑयल, वैक्स एंड फैट, ठीक है, तीन ही सब्सटेंस आते हैं सिंपल जो होते हैं। सिंपल लिपिड क्या है? जो ऑयल है, वैक्सेस है, फैट है, ये सब क्या है? सिंपल लिपिड है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि है कि अगर आप जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, जैसे कि अभी लिपिड के बारे में बताया क्या होता है, उसके फंक्शंस बताए मैंने, यहाँ पे किस चीज़ में सॉल्युबल है, किस में इनसॉल्युबल है, तो वो चीज़ें आप जो है नोट करते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो वही चीज़ें जो हैं एक बार फिर से रिविजन हो जाती हैं, तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस में सॉल्युबल रहता है, किस में नहीं होता है, और जो सॉल्युबल रहता है तो वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सारी चीजें नोट करते चलिएगा। एंड
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे जो है आगे बात करते हैं, हमने सिंपल लिपिड पढ़ लिया। सिंपल में जो है लिपिड में क्या आता है, ऑयल आता है, वैक्स आता है, फैट, ये सारी चीज़ें क्या है, सिंपल है, सिंपल लिपिड्स के अंदर रखी गई है, ठीक है। सिंपल में क्या आएगा, ऑयल, वैक्स एंड फैट। अब यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी वो क्या है, सेकेंड जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएंगी इंटरेस्टिंग होता जाएगा टॉपिक। यहाँ पे जो कंपाउंड है, यानी कंपाउंड यानी ऑब्वियसली बात है, सिंपल लिपिड है, कंपाउंड यानी दो कुछ सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे कंपाउंड है। कंपाउंड लिपिड में क्या आते हैं, कंपाउंड लिपिड में जो है तीन आते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गए एंड ग्लाइकोलिपिड हो गया। यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, कौन सी कैटेगरी में रखे गए हैं, ये रखे गए हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे जो है कंपाउंड लिपिड्स हो गए। अब कंपाउंड लिपिड्स के अलावा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है लिपिड की, थर्ड क्लासिफिकेशन है वो क्या है, थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव लिपिड जो है इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी क्लासी जो इसका वर्गीकरण है ड्राइव लिपिड का इसको जो क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारी क्लासेस में किया गया है। यहाँ पे यही जो है सबसे ज़्यादा क्लासेस को कवर करता है, सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों को कवर करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ड्राइव लिपिड, ड्राइव लिपिड इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। जो ड्राइव लिपिड है इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो देखिए लिपिड, लिपिड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लिपिड को तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव। अब यहाँ पे सिंपल में ऑयल, वैक्स एंड फैट थे, ठीक है। एंड कंपाउंड में क्या थे, कंपाउंड में फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब जो थर्ड हम इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी है वो है ड्राइव लिपिड की। ड्राइव लिपिड को ऑल्सो टू कैटेगरीज में, टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अ फैटी एंड सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल। फर्स्टली हम जो कवर करेंगे वो है कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी। कोलेस्ट्रॉल में हम जो कवर करने जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से जो है सब्सटेंस या कौन कौन सी चीजों को रखा गया है, तो कोलेस्ट्रॉल में रखा गया है वाइल एसिड्स को, विटामिन डी को। विटामिन डी भी एक स्टेरॉल है, ठीक है। विटामिन डी एक हार्मोन भी है, स्टेरॉल कैटेगरी जो है इसमें आता है ये। यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल कैटेगरी है, यहाँ पे वाइल एसिड, विटामिन डी एक हार्मोन है एंड सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल में आ गए वाइल एसिड, विटामिन डी एंड सेक्स हार्मोन। विटामिन डी खुद एक हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम सेकंड कैटेगरी चलते हैं। सेकंड कैटेगरी जो है फैटी ड्राइव लिपिड क्लासिफिकेशन है। फैटी ड्राइव लिपिड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो है चीज को कवर करना है कि फैटी जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या आएगा। फैटी जो क्लासिफिकेशन है, फैटी ड्राइव लिपिड क्लासिफिकेशन, इसको दो पार्ट में सब डिवाइड किया गया है। फिर से कौन से है वो दो पार्ट, देखिए फैटी क्लासिफिकेशन को दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोनोसेचुरेटेड एंड सेकेंड इज पॉलीसेचुरेटेड। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है अनसेचुरेटेड, सॉरी, जो यहाँ पे जो कैटेगरी है फैटी एसिड की, फैटी एसिड को दो टाइप में फिर से डिवाइड किया गया है, मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड, ठीक है। मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड, यहाँ पे ये जो कैटेगरी है ये आगे और है, आगे कहाँ पे है। अब यहाँ पे मोनो अनसेचुरेटेड तो खत्म हो गई, बट पॉली अनसेचुरेटेड जो कैटेगरी है वहाँ पे फिर से चीजों को डिवाइड किया गया है चार पार्ट में। कौन कौन सी है वो पॉली अनसेचुरेटेड चीजें, यहाँ पे देखो जो पॉली अनसेचुरेटेड लिपिड्स हैं वो है पोस्टाग्लैंडिंग्स। फर्स्ट इज पोस्टाग्लैंडिंग, सेकेंड इज पोस्टासाइक्लिन। फर्स्ट इज पोस्टाग्लैंडिंग, सेकेंड इज पोस्टासाइक्लिन, थर्ड इज ल्यूकोट्राइन्स एंड फोर्थ इज थ्रोम्बोक्सेन। फोर्थ इज थ्रोम्बोक्सेन। यहाँ पे लिपिड की क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे जो है कवर होती है। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो है पढ़ा है लिपिड की क्लासिफिकेशन। लिपिड की क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि लिपिड तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड ड्राइव। जो सिंपल होते हैं वो वेरी सिंपल होते हैं, जैसे कि ऑयल, वैक्स एंड फैट, ठीक है। कंपाउंड हमको पढ़ना है, कंपाउंड में जो है फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फो के बाद लिपोप्रोटीन है एंड ग्लाइकोलिपिड है। फिर आता है ड्राइव, ड्राइव में जो है दो कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है, कौन कौन सी, एक तो फैटी, एक होता है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें वाइल एसिड वगैरह, विटामिन डी एक हार्मोन है, इसके अलावा सेक्स हार्मोन जो है वो आ जाते हैं। फैटी एसिड जो है इसको फिर से दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज मोनो अनसेचुरेटेड एंड सेकेंड इज पॉली अनसेचुरेटेड। यहाँ पे पॉली अनसेचुरेटेड
सैचुरेटेड को जो है फिर से वर्गीकृत किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है चार सब कैटेगरीज में। फर्स्ट इज पोस्ट ग्लैंडिंग्स, सेकंड इज पोस्ट साइक्लिन, थर्ड इज ल्यूकोट्राइन्स एंड फोर्थ इज थ्रोम्बोक्सेन। यहाँ पे हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है लिपिड की क्लासिफिकेशन का, हमने कुछ भी डिटेल्ड स्टडी की बात यहाँ पे नहीं की है। डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना है एंड जो भी क्लासिफिकेशन है उसको नोट कर लीजिएगा एंड रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।